गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ शेफ अमन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरे बर्गर। इसके लिए हमें चाहिए 4 to 5 बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो, 2 टेबलस्पून बॉइल्ड पीस, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून चॉप्ड बीन्स, 2 टेबलस्पून चॉप्ड कैरेट, 2 टेबलस्पून चॉप्ड मशरूम, स्लाइस्ड टोमेटो, स्लाइस्ड ऑनियन, ब्रेड क्रम्ब, रिफाइंड फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, सॉल्ट, वाइट पेपर, टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला एंड कच्यूबर सैलेड। सबसे पहले एक तड़का पैन में दो टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें चॉप जिंजर एंड चॉप ग्रीन चिली को ऐड करेंगे और हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें चॉप बीन्स, चॉप मशरूम एंड चॉप कैरेट को एंड चॉप बीन्स को ऐड करेंगे पीस को। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक मिनट सौते करने के बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। दो मिनट सौते करने के आफ्टर इसको मैश्ड पोटैटो के ऊपर पोर करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, 1 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लोर, 2 ब्रेड क्रम्ब, 2 to 3 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून और हल्का सा सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसको एक टिक्की की शेप देंगे। एक पोर्शन मिक्सचर का लेके इसको अच्छे से रोल करेंगे। और इस तरह से टिक्कीज बनाएंगे।
टिक्कीज बनने के बाद एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा ऐड करके एक बैटर तैयार करेंगे। इसमें हल्का सा सॉल्ट एंड वाटर, हमने अपने बैटर को ना ही ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा थिन, उसकी कंसिस्टेंसी इस हिसाब से होनी चाहिए। अब टिक्की को इसमें डिप करेंगे, देन कॉर्नफ्लोर से इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स से। टिक्की को हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। टिक्की को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कलर करना है, इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए बर्गर बंस के ऊपर कैनकेशे सॉस लगाएंगे बेस के लिए, एंड सेकेंड बन पे टोमेटो सॉस। वन ऑनियन स्लाइस एंड टोमेटो स्लाइस। उसके ऊपर से टिक्की प्लेस करेंगे। एंड सेकंड ब्रेड स्लाइस पे हल्का सा कोलेस्ला सैलेड। बर्गर टिक्की पे हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देन इसको कवर कर देंगे सेकंड बर्गर बन की हेल्प से और इसे प्रेस करके अच्छे से बीच में एक टूथपिक प्लेस करेंगे ताकि बर्गर बन खुले ना। नेक्स्ट जो हमने पहले बैटर तैयार किया था टिक्की के लिए, रिफाइंड फ्लावर एंड कॉर्न फ्लावर का मिक्सचर, उसमें बर्गर को डिप करेंगे। और ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह इसको कवर करेंगे।
इस तरह से कोटिंग करने के बाद इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए इसको किसी भी स्पाइरल स्ट्रेनर में रख के, ताकि हमारा बन खुले ना। हमारा बर्गर फ्राई होके तैयार है। सर्विंग के लिए इसको बीच से कट करेंगे, देन एक सर्विंग प्लेटर में फ्रेंच फ्राइज एंड टोमेटो सॉस के साथ इसे सर्व किया जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल RP IIT Academics। थैंक यू।